प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रिटिश हेराल्ड के एक पोल ने रीडर्स में साल 2019 का दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स चुना है। इस पोल में मोदी के दुनिया के अन्य ताकतवर नेताओं जैसे व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग को मात दी। नॉमिनेशन लिस्ट में दुनिया की 25 से ज्यादा हस्तियों को शामिल किया गया था और जज करने वाले पैनल एक्सपर्ट्स ने सबसे ताकतवर शख्स के तबके के लिए चार उम्मीदवारों का नाम सामने रखा। चयन प्रक्रिया का मूल्यांकन इन सभी आंकड़ों के व्यापक अध्ययन और रिसर्च पर आधारित था। अब आपको बताते हैं कि वोटिंग कैसे की गई। जी हाँ, वोटिंग के लिए आम प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं किया गया। ब्रिटिश हेराल्ड के रीडर्स ने अनिवार्य वन टाइम पासवर्ड प्रोसेस के जरिए वोट करना था। हैरानी की बात यह है कि वोटिंग के दौरान साइट क्रैश भी हो गई क्योंकि वोटर्स अपनी पसंदीदा हस्ती को जिताने की कोशिश में जुटे थे। शनिवार को वोटिंग खत्म होने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोल में सबसे ज्यादा 30.9% वोट मिले। वो अपने प्रतिद्वंद्वी व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग से काफी आगे थे। इस पोल में मोदी के बाद दूसरे ताकतवर शख्स के रूप में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रहे, जिन्होंने 29.9% वोट हासिल किए। वहीं 21.9% लोगों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सबसे ताकतवर शख्स माना। इसके बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का नंबर आया, जिन्हें 18.1% वोट लोगों ने वोट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर ब्रिटिश हेराल्ड मैगजीन के जुलाई संस्करण के कवर पेज पर भी प्रकाशित की जाएगी। ये एडिशन 15 जुलाई को रिलीज किया जाएगा। ब्रिटिश हेराल्ड की वेबसाइट पर छपे आर्टिकल की माने तो हालिया महीनों में पीएम मोदी को भारतीयों की ओर से बेहद ज्यादा अप्रूवल रेटिंग्स मिली हैं। साल 2019 के चुनाव में अपने रुख और अलग तरीके के स्ट्रेटजी के लिए उनमें समर्थकों का भारी इजाफा हुआ। इसके अलावा आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना और स्वच्छ भारत अभियान ने भी उनकी लोकप्रियता को काफी इजाफा दिलाया। एएनपी न्यूज रूम से सुरजीत गोसाई की रिपोर्ट।